नमस्कार, पूजा आर्ट में आपका स्वागत है। बहुत सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ, डबल कलर का है। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एंड तक बने रहना बिना स्किप करके। यहाँ पे जो मैंने हुक यूज़ की है वो 3 mm की है और जो हम चेन डालेंगे वो 10 के मल्टीपल में होंगी और 2 चेन हमारी एक्स्ट्रा होंगी। बहुत ही प्यारा बेबी ब्लैंकेट डिज़ाइन है, इसको किसी प्रोजेक्ट पे आप डाल सकते हो। बेबी ब्लैंकेट पे, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, एंड तक बने रहना। यहाँ पे मैंने 42 चेन ली हैं, 10 + 10 + करके 40 + 2 चेन एक्स्ट्रा, 42 चेन। फिर यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशेट ले लिया सेकंड चेन में। यहाँ से हमारी रो 1 स्टार्ट हो गई है, 1, 2, 3, 4। 4 चेन हमने स्किप करनी है और 5th चेन में हमने डबल क्रोशेट बनाना है। 1 सेम इसी में बनाएंगे, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 डबल क्रोशेट इन सेम चेन। एक ही चेन में हमने 9 डबल क्रोशेट टुगेदर। फिर हमने क्या करना है, 4 चेन को स्किप करना है फिर से, 1, 2, 3, 4। और 5th चेन में हमने एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ऐसे बनेगा ये, देखिए। फिर उसके बाद फिर से हमने 4 चेन को स्किप करना है, 1, 2, 3, 4। और 5th चेन में हमने फिर से अपने 9 डबल क्रोशेट टुगेदर इन 1 चेन। एक ही चेन में हमने 9 डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर से फैन बनाना है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है, बहुत ही आसान है। इसको बिना स्किप करके आराम से देखिए, अच्छे से समझिए, फिर इसको आप ट्राई कर लीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट में आप ट्राई कर सकते हैं उसको। फिर अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर से हमने 4 चेन स्किप करेंगे और 5th में हमने 1 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे बनता जाएगा। ये ऐसे करते अपनी रो को कंप्लीट करना है। ये लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे हमारे 4 फैन बने हैं। अभी लास्ट में फिर से हमने 4 चेन को स्किप कर देंगे और 5th में हमने एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में भी हमारा एक सिंगल क्रोशेट बना था, ऐसे ही हमारा एक लास्ट में भी सिंगल क्रोशेट बन गया। यहाँ पे हमने सेकंड कलर ज्वाइन कर लिया और 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से हमारी रो 2 स्टार्ट हो गई और स्टार्टिंग में हमने एक 1 डबल क्रोशेट बना लिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 चेन लेंगे और यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, और सेम इसी में एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे। मेक वी बनाएंगे हम यहाँ पे ऐसे। ये देखिए, सेकंड कलर से हमारी रो 2 है। फिर से यहाँ पे हमने 6 चेन लेनी है और नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था वहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशेट लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, और सेम इसी में हमने एक और डबल क्रोशेट बना लेना है, वी बना लेना यहाँ पे हमने। इसी रो में हमने सारा ऐसे ही रिपीट करना है, 6 चेन और जो हमारा पहले से ही सिंगल क्रोशेट था उसमें हमने वी बनाना है। वी कैसे बनाते हैं, 1 डबल क्रोशेट, 3 चेन और सेम इसी में एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे, हमारी वी बन जाएगी। और लास्ट में हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट आ गया यहाँ पे, फिर से 3 चेन और सेम इसी में हमारा एक और डबल क्रोशेट। जैसे स्टार्टिंग में हमारी एक वी बनी है, ऐसे यहाँ पे लास्ट में भी हमने बना ली। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन और टर्न हो जाएंगे। यहाँ से हमारी रो 3 स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो हमें वी नज़र आ रहा है इसमें हमने 5 डबल क्रोशेट टुगेदर, 2
थ्री फोर और फाइव, फाइव डबल क्रोशेट टुगेदर इन वी। ये जो वी हमें नज़र आ रही थी यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा फैन बना था नीचे जो वाइट हाफ वाइट कलर का, यहाँ पे हमने फोर स्किप करने हैं और फिफ्थ में हमने वन सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। सॉरी, अब ये वाली जो बी दिख रही सेंटर में, यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, नाइन डबल क्रोशेट टुगेदर इन वी। जो हमने वी बनाई है यहाँ पे हमने नाइन डबल क्रोशेट इकट्ठे बना लेने हैं एक ही इसमें सेम। अब यहाँ पे हमने फोर डबल क्रोशेट स्किप करके फिफ्थ में हमने वन सिंगल क्रोशेट बना लेना है। और फिर से हमारी जो नेक्स्ट वी है वहाँ पे नाइन डबल क्रोशेट टुगेदर। ये रो थ्री है हमारी, सेम जैसी रो वन थी वैसे ही है, लेकिन रो वन में हमने चेन को स्किप किया था, फोर चेन स्किप करके फिफ्थ में हमने बनाया था और यहाँ पे हमने वी बनाई है, और इसलिए इसको ध्यान से देख लेना एंड तक, अच्छे से समझ लेना। फिर से बोल रही हूँ, ये रो थ्री हमारी सारी ऐसे ही आ जाएगी, वन सिंगल क्रोशेट और नाइन डबल क्रोशेट। ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट में भी हमारी फाइव डबल क्रोशेट आ जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमने फाइव डबल क्रोशेट बनाए थे वी में, ऐसे लास्ट में भी हमारे फाइव डबल क्रोशेट आ जाएंगे, हाफ वो फैन बन जाएगा ना। फिर उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे, फिर से हमने फर्स्ट कलर अपना ज्वाइन कर लेना है, वन चेन लेके टर्न हो जाएंगे। यहाँ हमारी रो फोर आ जाएगी, यहाँ पे हमने वन सिंगल क्रोशेट ले लिया, उसके बाद क्या करें, वन टू थ्री चेन ले ली, थ्री चेन लेने के बाद हमने वन डबल क्रोशेट बना लिया फिर से और थ्री चेन आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा सिंगल क्रोशेट था यहाँ पे हमने वी बनानी है, वन डबल क्रोशेट थ्री चेन और सेम इसी में वन डबल क्रोशेट, सेम वही रिपीट हो रहा है, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे फिर से हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन और यहाँ पे आ जाएगी हमारी वी बना लेंगे, जैसा कि हमने रो टू में बनाया था। ये रो फोर भी सेम है, ये सिर्फ टू रोज रिपीट पैटर्न है, जैसे कि वन और टू, और उसके बाद जो थ्री और फोर वो सेम वन जैसी है थ्री, और जो रो फोर है वो सेम है हमारी रो टू के जैसे। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा वन सिंगल क्रोशेट, और ये जो वी नज़र आ रही है यहाँ पे हमने नाइन डबल क्रोशेट टुगेदर। जिन्होंने तो ध्यान से देखा होगा वन से लेकर फोर तक या वन से टू तक, उनको वो तो वहीं पर समझ जाएंगे, जो स्किप कर करके देख रहेंगे उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए फिर से बोल रही हूँ, इसको बिना स्किप करके देखिए। यहाँ पे आ गया हमारा नाइन डबल क्रोशेट। फ्रेंड्स, मेरे 50 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही मेरी आगे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छे लगेंगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, मैंने यहाँ पे हाफ वाइट और डार्क ग्रीन कलर लिया है, बॉटल ग्रीन, आप कोई भी कंट्रास्ट ले सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।